हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, मैं गई थी सुबह का वो शेड और ये है मॉर्निंग टाइम। तो इधर उधर धूप बहुत लगी है, मेरे यहाँ पे धूप नहीं लगती है। आप देख सकते हो बहुत कम धूप लगती है, मतलब 10 बजे, 9:30-10 बजे निकलती है धूप। तो मौसम एकदम साफ उस दिन के बाद जब बारिश हुई। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पड़ोसियों का एक छोटा सा डॉगी है, आ जाता है सुबह सुबह दरवाज़ा पीटने। तो फिर इसको हमने दरवाज़ा खोल दिया और ये इसके साथ खेलने लग गया। बच्चा बच्चा ढूंढता है ना, मतलब छोटा है तो छोटे बच्चे को ही ढूंढेगा। तो ये बहुत क्यूट सा है, हमेशा आता है सुबह सुबह। तो देखिए इसके साथ कितना वो कर रहा है। तो मेरे को तो देख देख भी नहीं रहा है, जब बुला रही हूँ तो ये इसी के साथ खेल रहा है। तो देखिए कैसे रजाई ये कर रहा है खींच खींच के। तो इसने इसको इसके अंदर पैक भी कर दिया था पर फिर भी निकल गया। तो देखिए मैं चल गई फिर किचन, और यहाँ पे मैंने धनिया और प्याज वगैरह डाल दी है, ये लहसुन और ये सूखा धनिया, 3-4 मैंने पुदीने की पत्तियाँ डाल दी और सूखा मसाला डाल दिया है। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, आगे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं थोड़ी सी अरबी थी, मतलब ऐसे पत्ते, मेरे को उसका पतरूड़ू बहुत अच्छा लगता है तो पतरूड़ू के लिए लगाया था। तो इसकी जो स्टफिंग है वो भी बहुत अच्छी होती है और मैं कर रही हूँ इसकी स्टफिंग, परांठा बना रही हूँ। तो आइए आप लोगों के साथ शेयर किया है। यहाँ पे मैंने ये मैश कर दिए थे, हल्दी मैंने पहले डाल दी थी और फिर इसमें मैंने सूखा मसाला और ये नमक वगैरह जो मैंने मिक्स किया था वो भी डाल दिया। ये मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है स्टफिंग को और फिर लगी मैं इसमें स्टफिंग करने। ये मैं ना परांठा बना रही, मतलब मैंने भटूरे के लिए आटा गूंद के रखा था और मैं इसको इस तरह से स्टफिंग करूँगी। तो देखिए आप लोग भी, आप लोगों के साथ शेयर किया है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने शेयर किया है, बाकी बनाए तो अंशु ने ही, मैंने तो ऐसे बेल के रखी, मतलब स्टफिंग करके रखी, तो फिर बाकी बनाए अंशु ने ही। तो देखिए आप लोग, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है स्टफिंग करना, मेरे को नहीं आता उतने अच्छे से, बट बहुत अच्छे से हो गई थी एकदम कोने कोने तक और बहुत अच्छे और टेस्टी थे। ये बन गए हमारे परांठे। ये जो चटाई होती है ना छोटी, जैसी हमने बनाई होती है स्पेशली ये रोटियों के लिए बनाई होती है, तो हम इसमें रोटियां रखते हैं, गाँव में इस तरह का होता है। तो फिर चल गए थे हम खेत, यहाँ पे हम लग गए मटर बीजने। अभी लगे तो नहीं, अभी मैं इसमें थोड़ी सी क्यारी सी बनाऊंगी। तो क्या बोलते हैं, आप लोगों को मैंने शेयर किया है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए एक लाइन्स में गेहूँ और दो लाइन्स में मटर बीज लिए थे हमने, इस तरह से है कुछ, मतलब हम लोग, मैं एग्रीकल्चर से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ। तो फिर उसमें हम लोगों को ये बीज दिया है, तो इस तरह से बीजने को बोला है। उसमें बोलते हैं सुभाष पालेकर खेती, अगर आप लोगों को नॉलेज होगा तो प्लीज़ आप भी बताइएगा ज़रूर, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है, मैंने पूछ के किया है। मैं अभी 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 जुड़ी हूँ तो मैंने अपने और मेंबर्स को पूछा है कि किस तरह से करना है और क्या बोलते हैं इसको, तो मैंने उनको भी एक वीडियो दी है बना के। तो देखिए आप लोग, अब यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया था, मतलब थोड़ा सा 4 ही क्यारियाँ बनाई है, थोड़ा सा बीज बच गया था, फिर हम दूसरी साइड गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर मार्केट चले गई थी। हम जो इस ग्रुप में जुड़े हैं तो LIC जीवन बीमा बनाया है सबने, तो हमारा जो ये पंचायत है ये बीमा गांव बना है, तो हम लोगों को एक बोर्ड दिया है लगाने को कि इसको लगाना है। तो फिर हमने वो बोर्ड लगाया, वो सब हम ही थे, 4-5 ही थे, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो ये देखिए इस तरह से करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। ये मैंने बोला ना, मैं थोड़े बूढ़े हैं बुआ, तो मैंने बोला इधर दो मेरे पास, मैं करती हूँ थोड़ी देर। तो ये छेद मैंने कर दिया था, तो फिर ये सब मिट्टी निकाल रहे हैं, ऊपर साथ साथ में हम बात कर रहे हैं, वो मैंने ऊपर वॉइस कर दी क्योंकि
हम अपने ही बात कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। यहाँ के लोगों को तो समझ आ जाता, बाकी आप लोगों को समझ नहीं आता। तो मैंने बहुत शोर था, मतलब तो देखिए अब ये हमारी प्रधान है, तो फिर से इन्होंने ले ली और फिर हमने बोर्ड फिट कर दिया था। तो फिर आ गई थी मैं घर, और ये जो थोड़ा सा बीज बच गया था इसको हमने फिर से मतलब दूसरी साइड खेत में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा जो जितना भी था मतलब। तो इस तरह के काम रहते हैं। अब शादियां ख़त्म हो गई हैं तो अब तो ऐसे ही आपको मिलेगी। इस तरह से बीजा था हमने, देखिए कनक और ये है मटर लाइन में। तो देखिए आप भी, पहले हमने खो दिया था इसको, उसके बाद हमने इसमें बीजा बीजाई की है। इसमें गोबर भी डाल दिया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मैं मार्केट गई थी, फ़ोन मेरे पास था और बच्चे घर में थे। बच्चों ने ही खोदा है, बच्चों ने क्या, एक बेटे ने ही खोदा है, थोड़ा सा था खोदने को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को फुल देखना। फिर मैं आपको अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।